लगा दोगे आराम से। ठीक, अब हम बाद में एक बात करें, अब हम प्रतिरोध पढ़ रहे हैं तो प्रतिरोध का संयोजन भी देख लेते हैं। जैसे हमने धारिताओं का संयोजन किया वैसा ही हम किसका करेंगे, प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोधों का या प्रतिरोध प्रतिरोधों का संयोजन। तो सेम प्रोसेस वही है कि जैसे धारिताएं दो प्रकार से संयोजित हुई थी, कॉम्बिनेशन उनका कितने प्रकार से हुआ था, दो प्रकार से, वैसे ही इनका भी दो प्रकार से होगा। मुख्यता दो प्रकार है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करते कितने भी बना लो। पहला कौन सा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा कौन सा होगा, समांतर क्रम संयोजन। आगे समझ में। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम को एक साथ लेके कितने भी बना लो, लेकिन मुख्यता दो ही है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध है ये भाई, क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन है। प्रतिरोध का मेन पॉइंट क्या है, ब्रेकर है ये, किसके लिए, करंट के लिए, विद्युत धारा के लिए ब्रेक लगाता है ना, रोकता है उसे। तो ब्रेकर इसका सिंबल किस प्रकार से लगाओगे, फिर तो इस प्रकार से बनाते फिर इसका सिंबल, है ना। मतलब क्या हुआ, इसके मार्क को बढ़ा दिया इसने, एक मतलब ये मान लो एक सिंपल डेफिनेशन वो देख लें, मतलब एक सिंपल इसकी बात करें, कोई व्यक्ति अगर सीधा जाना चाहे यहाँ से यहाँ तक और एक लाइन सीधी खींची हुई हो तो जल्दी पहुँच जाएगा। अब ये इस टाइप की रास्ता बना दो तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा, सेम प्रतिरोध वही काम करेगा, करंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो अब टाइम लगेगा, ब्रेक का काम करेगा ये, है ना। तो इसीलिए ये ब्रेक इस प्रकार से प्रतिरोध को शो करेगा। आगे समझ में। तो अब इनका हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में मैंने कहा था पॉइंट याद रखना, क्या बताया था शॉर्ट उसका पॉइंट, अरे 21, दूसरा पहले से श्रेणी क्रम हो गया, 21 कोड है, और समांतर के लिए 11 11 22 22, मतलब पहला पहले से और दूसरा दूसरे से, दूसरे वाले दूसरे से और पहले वाले सभी पहले से। तो इसका एक हिसाब से कोड हम बात करें तो क्या होगा, 21 2 1, दूसरा पहले से कनेक्ट करते रहो, हर एक का दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा पहला, क्या बन जाएगा तुम्हारा, श्रेणी क्रम बन जाएगा। आ गया समझ में। तो अब हम श्रेणी क्रम संयोजन देख रहे हैं भाई, और हमें क्या करना है, ऐसा फार्मूला बनाना है जो अधिक से अधिक के लिए लागू हो सके। तो बहुवचन में चले जाते हैं, संस्कृत के 3 ले लेते हैं, वैसे हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही का बहुवचन होता है, 3 ले ले रहे हैं, जो 3 पर लागू होगा वो सब पर लागू हो जाएगा, है ना। तो पहले का हमने ये ले लिया, फिर हमने दूसरा, ये पहला हो गया यहाँ से यहाँ तक से, ठीक है, आर वन मान लो इसे, फिर यहाँ से हमने दूसरा ले लिया इधर को, ये हमने मान लिया आर टू, अब यहाँ से हमने ये इधर तीसरा ले लिया। अब जो जगह थोड़ी है ना, इधर हमने बराबर दूरी पे लेना, अच्छा लगेगा, और ये हो गया। इन पॉइंटों को ही नाम दे दो, मैं दे दे रहा हूँ, ए बी, ए बी के बीच में आर वन है, बी सी के बीच में कौन है, आर टू है, और सी और डी के बीच में क्या है, आर। आगे समझ में। प्रतिरोध हमें क्यों चाहिए, अरे धारा के लिए तो चाहिए, नहीं तो हमारे लिए क्या जरूरी है इनकी, तो धारा भी दर्शाई दो फिर। एक बैटरी ले ली हमने डीसी, डीसी करंट ले लिया, इधर हमने प्लस ले लिया, इधर माइनस, चाहो तो यहाँ पर क्या लगाना है, कुंजी लगा लो चटकनी। दो टाइप से बनाते हैं ये, एक प्लग कुंजी होती है ये, इसमें से प्लग लगा दो, करंट प्रवाहित प्लग निकाल दो, सर्किट टूट जाएगा, ये इसलिए दर्शाता है। और एक इस प्रकार का होता है, एक इस प्रकार का होता है, इसको इससे दबा दो नीचे को, फांस दो इसमें तब चल जाएगा, निकाल दो तो रख जाएगा। तो दो प्रकार की कैसे ही बना लो, जो सस्ती लगे, है ना। ये बैटरी हो गई हमारी, जिसका कोई ना कोई वोल्टेज होगा, बैटरी लिख दे रहा हूँ अभी। ये कुंजी हो गई के लिख दो की, और इधर को जब तक वही कनेक्ट नहीं करोगे तब तक धारा प्रवाहित भी तो नहीं होनी है। आ गया समझ में। तो मान लो यहाँ से क्या गई विद्युत धारा, ये प्लस है ये माइनस, विद्युत धारा आई निकली, इधर आई गई
इसमें आई प्रवेश करेगी और इधर आई ही निकलेगी, आई ही प्रवेश करेगी, आई ही निकलती रहेगी और लास्ट में आई ही इधर आ जाएगी। अब ये जितना चाहो उतनी बार बना सक लिख सकते हो, ठीक। लेकिन अब बात करें बी ओम का नियम की, बात होते हैं चालक पढ़ रहे हो तो ओम के नियम में क्या आते हैं, बी आई और आर, आर भी हो गए आई भी हो गए, क्या बचा बी। बी क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच, तो इस प्रतिरोध के दो बिंदु अलग हैं, उस वाले के अलग हैं, उस वाले के अलग हैं, तो तीनों का विभवांतर फिर अलग अलग होगा। तो हमने मान लिया इसका विभवांतर क्या है, ए बी के बीच में बी वन, बी सी के बीच वाले के क्या है बी टू, एंड सी डी के बीच वाले के क्या है बी थ्री। आगे समझ में। अब मान लो कि टोटल जो होगा जो बैटरी है उसका वोल्टेज क्या है बी है, बस डायग्राम हमारा बन गया। थ्योरी भी इसी प्रकार से लिखना है इसके, कि माना तीन प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध क्रमशः आर वन आर टू आर थ्री हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, या ऐसे बोल सकते हो जिनके प्रतिरोध क्या आर वन आर टू आर थ्री हैं को बैटरी बी वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ना, दोबारा से हम नहीं बोलना पड़ेगा बैटरी को, जिससे इस संयोजन में बी वो आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और तीनों प्रतिरोधों के क्रमशः विभवांतर क्या बी वन कौमा बी टू कौमा बी थ्री उत्पन्न हो जाते हैं या होते हैं जो भी है। तब बस इसके बारे में लिखने के बाद तब हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। तब क्या होगा भाई, हम बात करें बी वन, ओम के नियम से बी वन बराबर क्या आएगा, बी बराबर बताओ आई आर आएगा, लेकिन हम बात करें बी वन की तो होगा आर वन, आई तीनों के लिए सेम है दिख रहा है वो, तो ऐसे ही बी टू तो आई आर टू, ऐसे ही बी थ्री तो आई आर थ्री, बा टोटल वो वोल्टेज भी तो दिया, वो बाद में मान लेंगे पहले इन्हें समीकरण डालेंगे, एक दो एंड तीन। माना क्या है संयोजन की कुल, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, मतलब इनका तुल्य प्रतिरोध R है, इनकी यानी जो तीनों मिलके काम करेंगे उसकी जगह एक R प्रतिरोध काम करेगा, ये मान लो हो सकता है। जैसे मान लो उतना हमें हमारे पास नहीं है तो हम इन तीनों को जोड़ के काम चला सकते हैं, अगर वो हो तो इनकी क्या जरूरत है जोड़ने की, है ना, वैसे सर्किट बनाते फिर। तो हम मान ले रहे हैं, माना संयोजन का क्या मानेंगे, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R क्या है, तब सेम इसी की तरह करेंगे B बराबर I और R, कुल वोल्टेज आएगा जब तुल्य प्रतिरोध भी आया था, और ये हो गई समीकरण चार। लेकिन हम बात करें डायग्राम से तो ये बी ही तो तीनों भागों में बढ़ी है जाके, तो यहां हम लिख दे रहे हैं परंतु बी बराबर है बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। आगे समझ में। अब तीनों के मान लगा लो वो चारों के समीकरण एक दो तीन व चार से, मैं लिख लेना मैं डार्क लगा रहा हूं, तो बी का मान क्या है आई आर बराबर बी वन का मान क्या है आई आर वन प्लस बी टू का मान है आई आर टू प्लस बी थ्री का मान है आई आर थ्री। इन तीनों से आई कॉमन है ले लो कॉमन, तो हो जाएगा आई आर बराबर आई कॉमन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई से आई तो R बराबर आ गया R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये श्रेणी क्रम में हो गया प्रतिरोधों के लिए, जैसा फार्मूला किस में बना था धारिता में समांतर क्रम के लिए। तो क्या हो जाएगा कि जो श्रेणी क्रम है उसमें तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, सभी का योग होगा, डायरेक्ट योग कर दो, और जो परिणामी निकल के आएगा उसका मान इन तीनों में जो बड़े सा जो भी बड़ा होगा
उससे भी बड़ा मान मिलेगा, क्योंकि जुड़ रहा है ना। और श्रेणी क्रम में अगर हम विद्युत धारा की बात करें, वो तीनों या जो भी प्रतिरोध है सभी के लिए समान होगी। और अगर हम बात करें वोल्टेज की, वो सभी के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। आगे समझ में? ठीक, नोट करें। तो हमने श्रेणी क्रम में फार्मूला डिराइव कर लिया भाई, आर बराबर आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। हम इसके विशेष मतलब गुण देख लें, मतलब या विशेष क्या देख लेते हैं, स्थितियां देख लें या कुछ भी देख लो जो मतलब इसमें हम अप्लाई कर सकें। तो नंबर एक की हम बात करेंगे तो विद्युत धारा सभी के लिए समान होती है, वो ये भी बोला था कि आई सभी के लिए कैसी होगी? समान सभी के लिए। दूसरा दूसरा हमारा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, नोट करके हम ये समझ रहे हैं, तो बी सभी के लिए क्या हो जाएगी? असमान होगी। सबका मान कैसा आएगा? असमान, ठीक। और आर का मान तो पता चल ही रहा है वहाँ से। अगर हम देखें ध्यान से तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, विद्युत शक्ति पी बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। और आई सभी के लिए समान है तो B समानुपाती किस, वो P समानुपाती किसके हो जाएगी? R के। मतलब हम बात करें अगर श्रेणी क्रम में हमसे पूछा जाए सभी का क्या हो, शक्ति दी हो, पूछे परिणामी शक्ति कितनी होगी, तो यही डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना, P बराबर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। आगे समझ में? डायरेक्ट शक्तियों में अप्लाई कर देना। हमने ऊपर ध्यान से देखा आई सभी के लिए समान है और विभवांतर सभी के अलग अलग है, तो आई थोड़ी याद करेंगे, वो तो सबके लिए सेम है, हम वो चीज़ याद करेंगे जो अलग अलग है। अरे आई तो डायरेक्ट ही निकल आएगी, तुल्य प्रतिरोध और वोल्टेज दिया हो तो अब हमें अगर अलग अलग हमें वोल्टेज चाहिए तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमें पहले वाले का चाहिए बी वन का, तो बी वन बराबर हो जाएगा आर वन और भाग में तीनों का परिणामी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और इन टू में बी। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, तीन है तो तीन लिखो, दो हैं तो दो ही लिख लेना। ऐसे ही हम बात करें B2 की तो क्या आ जाएगा फार्मूला? R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। या परिणामी के लिए वो ध्यान के लिए याद हो तो सिर्फ R लिख लो, क्योंकि R का ही तो मान है, और इन टू में क्या आ जाएगा? B। ऐसे ही अब बात करेंगे B3 की, तो B3 क्या होगा हमारा? B3 हो जाएगा R1 और भाग में R लिख दे रहा हूँ इस बार, और इसके इन टू में क्या होगा? B, हाँ R3। आगे समझ में? ऊपर वो ही होगा जो वाला हम निकाल रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट निकाल सकते इससे। आगे ये समझ में? और सपोज करो कहीं पर N प्रतिरोध कैसे लिखे हुए हैं श्रेणी क्रम में, समान उनकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोध समान है और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्या है? एन प्रतिरोध, यहाँ लिख लेता हूँ, अगर एक आध पॉइंट और मिलेगा तो उधर। तो मान लो आर वन बराबर क्या है? आर टू, और बराबर में डॉट डॉट करके कहाँ तक? आर एन, इन सभी का हम आर मान ले रहे हैं और श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं, तो इनका डायरेक्ट निकालना कैसे? जो परिणामी, अब ये आर है ना, तो अब आर मत लिखो, हम लिख ले रहे हैं आर ई क्यू, ये परिणामी दर्शा रहा, बराबर हो जाएगा एन गुणा आर। ये फार्मूला अप्लाई कर दो, आगे समझ में? अब सपोज करो कहीं पर दो प्रतिरोध दिए हैं, तो बस दो से गुणा कर दोगे, तीन दिए तो तीन दे, जितने भी दिए, आगे समझ में? तो ये पांच गुण याद रखना, पहला आई सभी के लिए समान होगी कितने भी प्रतिरोध जुड़े हों, बी सभी के लिए असमान होगी, और P बराबर हम इसमें P1 प्लस P2 प्लस P3 रख सकते हैं, और B1 बराबर R इसका जिसका भी, और टोटल वाले यहाँ तीन है तो तीन, जिसमें जितने दिए उतने का परिणामी, परिणामी मान लो R, तभी तो मैंने लास्ट वाला R बताया। और इस प्रकार से वोल्टेज निकाल सकते हो, और अगर N प्रतिरोध दिए हैं, सबके प्रतिरोध समान हैं और सभी किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में, तो हम आर ई क्यू बराबर एन आर लगा सकते हैं। आगे समझ में? ठीक, ये गुण भी लिख लो।
तो जो प्रतिरोधों का संयोजन था उसमें हमने क्या कर लिया, श्रेणी क्रम संयोजन कर लिया। अब दूसरा इसका संयोजन आ गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। अब प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। मैंने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के कोड बताए थे भाई, इसका कोड श्रेणी क्रम का तो 21 था, इसका क्या होगा 11 11 22, यानी 11 22 सभी पहले एक बिंदु से और सभी दूसरे दूसरे बिंदु से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। मतलब कोई दो प्रतिरोध है, प्रतिरोध होंगे उनके दो सिरे होंगे, तो पहले सिरों को किसी एक बिंदु से, सभी पहले सिरों को एक बिंदु से और सभी दूसरों को किसी दूसरे बिंदु से अगर हम जोड़ दें तो वो क्रम कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। तो जैसे सपोज कर लो हमारे पास में एक ये प्रतिरोध है, ये इसका हमने मान दे दिया, नाम दे दिया आर वन, कहीं पर भी ले सकते हो, लेकिन हम एजी हमें कनेक्ट करते हुए अच्छा मतलब आसानी हो तो हम इसके जस्ट नीचे ही ले लेते। ये दूसरा वाला प्रतिरोध ले लिया हमने, इसका नाम है आर टू, एंड हमने ये लास्ट में ले लिया तीसरा वाला, इसका नाम है आर थ्री। अब क्या बताया था कि जो हमने प्रतिरोध लिए हैं बस तीन है, चार पाँच छः सात कितने भी ले सकते हो ए टू जेड, ये कोई वो नहीं है, हमने तीन ले लिए। अब इन तीनों के जो प्रथम सिरे होंगे ये सभी प्रथम मान ले रहा है, उधर वाले सभी द्वितीय मान ले रहा है, तो सभी प्रथम क्या होंगे किसी एक बिंदु से और सभी द्वितीय किसी एक बिंदु से अगर ये जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएगा समांतर क्रम। तो मान लो एक बिंदु हमने ये मान लिया ए, इस ए पॉइंट से हमने इस वाले का पहला सिरा जोड़ दिया, इसका भी पहला जोड़ दिया और इसका भी जोड़ दिया। ऐसे हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया बी, इसका हमने दूसरा जोड़ दिया भाई, इसका भी दूसरा जोड़ दिया एंड इसका भी दूसरा जोड़ दिया, तो ये संयोजन कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन। अब इस संयोजन में हमें क्या चाहिए भैया, हम बात कर रहे हैं चालकों की, तो बी आई आर चाहिए, तो आर तो यहाँ पर मिल ही जाएगा। अब हम बी कहाँ से मिलेगा, बैटरी से, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। कौन सी बैटरी लेंगे, डीसी वाली, ये ठीक है। अब यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया इसके बी सिरे से, चूंकि विभवांतर की हम बात करें वो दो बिंदुओं के बीच में होता है, तो बिंदु हमारे पास ए और बी हैं, तो ए भी सभी प्रतिरोधों के लिए है, इसका मतलब सभी का वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा भाई, कोई भी अलग नहीं। ये पॉइंट मिल गया हमें यहाँ से, नोट इसका एक गुण भी हो सकता है कि समांतर क्रम में वोल्टेज सभी का सेम रहेगा। सपोज करो यहाँ पर वोल्टेज ये बी था, इसका बैटरी का जो वोल्टेज होगा वही वहाँ मिलेगा, है ना, यहाँ से बैटरी का जो वोल्टेज था और ऊपर प्रतिरोध है, तो यह वोल्टेज से यहाँ विद्युत धारा में प्राप्त क्या हुई, आई, ये आई यहाँ से गई इस टाइप से, यहाँ आई पहुँचेगी, यहाँ पर भी आई ही पहुँचेगी, लेकिन यहाँ पर तीन रास्ते हो गए भाई, तो ये तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी, कुछ ऊपर जाएगी, कुछ नीचे जाएगी, कुछ ये वाले में चली। अब मान पता नहीं है हमें, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं इसे I1, इसे I2 एंड इसे I3। यहाँ से I1 गई है, इधर I1 ही हमें प्राप्त होगी, यहाँ I2 प्राप्त होगी एंड यहाँ I3 प्राप्त होगी। चूंकि इस पॉइंट पे आके तीनों फिर मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो ये तीनों का योग क्या होगा I, क्योंकि I से ही बनी है तीनों, तो यहाँ तीनों आकर तीनों एक ही में कन्वर्ट हो जाएंगे I। इस प्रकार से ये आई दोबारा से हमारे ऋणात्मक सिरे में प्रवेश कर जाएगा। तो क्या होगा, समांतर सिरे में वोल्टेज सभी का सेम होगा और विद्युत धारा अलग 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 होगा। आ गया समझ में, अगर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे माना तीन प्रतिरोध क्रमशः, या मान लो माना तीन प्रतिरोध क्रमशः क्या आर वन आर टू आर थ्री हैं, जिनको बिंदु ए और बी के बीच में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ए और बी के बीच में बी वोल्ट की बैटरी से इसे आई विद्युत धारा दी है, जो क्या होती है इस पर तीन भागों में बट जाती है, आई वन आई टू आई थ्री भाग में बट जाती है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम वो चीज ज्ञात करेंगे जो चीज इसमें अलग अलग है, वो चीज ज्ञात नहीं करना जो सेम है, वो चीज ज्ञात करेंगे जो चीज अलग है। प्रतिरोध तो निकालना ही है, तो प्रतिरोध तो लेना नहीं है, तो अलग क्या बचा, फिर आई बची अलग, तीनों की विद्युत धारा अलग अलग है, ठीक है। तो आई हम ज्ञात करेंगे, तो ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, B अपॉन R। अगर हमने I बंद कर दिया तो B तो सभी के लिए सेम है, तो ये हो जाएगा R1 और समीकरण हो जाएगी। ऐसे ही I2
तो b अपॉन आर टू समीकरण हो गई दो, ऐसे ही आई थ्री तो b अपॉन आर थ्री समीकरण हो गई तीन। अगर हम मान लें कि ये तीनों की जगह एक इन्हीं की ही शक्ति का इतनी ही प्रतिरोध, मतलब जो बन के आएगा तुल्य प्रतिरोध, उसका क्या लगा एक एक ही लगा हुआ है ना, तुल्य प्रतिरोध लगा हुआ है, तो हम मान ले रहे वो क्या होगा R होगा या आर ई क्यू मान लो। तो ऐसे ही मान लेते, माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है या परिणामी, ठीक है, प्रतिरोध है। क्या है R है, तब क्या होगा भाई, तब सेम कुल विद्युत धारा बराबर बी अपॉन अब आर आ जाएगा और ये हो गई समीकरण हमारी चार। परंतु हमने देखा कि भैया कि जो आर वो आई है वो ही तीनों भागों में बटी है, आ ही जाकर तीन भागों में डिवाइड हुई है, इसका मतलब आई बराबर होगा आई वन प्लस आई टू और प्लस आई थ्री। अब इन तीनों चारों के मान ऊपर से रख लो, है ना, समीकरण किससे एक कामा दो कामा तीन व चार से, अब यहाँ क्रम से I1, I2, I3 व I का मान रखने पर, मैं खाली स्टे कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्टे कर दिया, वैल्यू रख ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, I की जगह आ जाएगा B अपॉन R बराबर I1 की जगह आ जाएगा B अपॉन R1, ठीक है, प्लस I2 की जगह आ जाएगा B अपॉन R2 प्लस और बी अपॉन आर थ्री। हमें लगा है कि भाई ऊपर वालों में सेम है, कॉमन कर लेते हैं फिर हम, तो हो जाएगा बी अपॉन आर बराबर बी कॉमन हो गया, यहाँ वन बचा अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, बी से बी कैंसिल एक बार गया। अब हमारे पास में क्या बचा भाई, हमारे पास बचा वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, तो इस प्रकार से ये परिणामी हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला ऐसे हम बताएंगे, ठीक, नोट कर। तो जो हमारा समांतर क्रम संयोजन था उसका तुल्य प्रतिरोध अगर हमें चाहिए तो उसका हम फार्मूला निकाल चुके हैं, तो हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो नंबर एक क्या हो गया, वन अपॉन आर बराबर हो जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ये फार्मूला हो जाए। ये फार्मूला ऐसा ही नहीं है सिर्फ तीन के ही लिए लागू हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, जितने भी हो सबके लिए हम लागू कर सकते हैं, बस इसी प्रकार सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। अगर हम इसे डायरेक्ट निकालना है हमें तो हम फार्मूला आर बराबर लगाएंगे भाई, इसका क्या आएगा आर वन आर टू आर थ्री तीनों गुणा में लिखना है, फिर भाग में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। ये वन अपॉन आ रहा है, ये सिर्फ डायरेक्ट आर बराबर, ये फार्मूला इसे हल करोगे यही मिल जाएगा, मिलेगा ये, यही मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आर टू प्लस वो आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन प्लस आर वन आर टू, ये मिलेगा भाई, एलसीएम ले लो इसका, आर वन आर टू आर थ्री आएगा, फिर आर वन नहीं होगा इसके में, इसके में आर टू नहीं होगा, इसके में आर थ्री नहीं होगा, ये लगेगा डायरेक्टली, ठीक है, हाँ। तुल्य प्रतिरोध के लिए दो हैं, सिर्फ दो हैं तो यहाँ आ जाएगा आर वन आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू, दो के लिए, जैसे सपोज करो हमें परिणामी निकालना है सिर्फ दो का, तो जाएगा आर वन आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू, ये दो के लिए लागू हो जाएगा, आ गया तुल्य प्रतिरोध समझ में। नंबर दो की हम बात करें तो वो तो हमने समझ ही लिया कि सभी का प्रतिरोध कैसा होगा, वो सॉरी प्रतिरोध नहीं, सभी में विद्युत धारा अलग अलग होगी और वोल्टेज कैसा होगा सेम होगा, तो हमें विद्युत धारा अलग अलग ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे हम, फार्मूला क्या क्या लगाएंगे, मतलब दो हैं तो ये परिणामी आर ये होगा और तीन है तो ये, दो के लिए ले रहे हम, तीन के लिए ये होगा, बस आर मान ले रहे हम और कुछ नहीं आएगा, तो I1 अगर हमें चाहिए तो हम फार्मूला लगाएंगे, I1 है तो I, ठीक, अब ये जो है इसके अपोजिट जो प्रतिरोध है वो वाले लेना है ऊपर,
और नीचे पड़ा। जैसे दो के लिए अगर हम बात करें सिर्फ दो के लिए, तो इससे अपोजिट क्या होगा, आर टू होगा और अपॉन में इनका परिणामी आर। मान लो आर का मान क्या होगा, ये वाला है ना बी, वो आई अपॉन आर क्या होता है, बी होता है ना, बी सभी के लिए सेम होगी। अरे यहां पर देखो बी बराबर क्या होगा फार्मूला, आई आर आई आर, और हमें चाहिए आई दोबारा से या आई वन चाहिए, तो क्या लगाएंगे फार्मूला, बी अपॉन आर है ना। इसका मतलब ये अपो मतलब क्या आएगा, ये आर कौन सा है, ये टू वाला है ना, बी ऊपर, इसका मतलब ये भाग में आएगा फिर परिणामी के, उल्टा लिख गया है, ये आएगा इस टाइप का ठीक, परिणामी ऊपर और ये नीचे, मतलब ये हो जाएगा परिणामी का मान लगा लो। अगर हम परिणामी का ये मान ऊपर लगा लें तो आई वन बराबर क्या होगा, आर टू से आर टू कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो आई बराबर हो वो आई वन बराबर आई हो जाएगा आर वन, वो आर वन हो जाएगा, टू वाले का ज्ञात कर रहे हैं आई वन वाले कर रहे हैं, तो वन लगाओ यहाँ आएगा वन, जिसका करोगे वही तो लगाओगे, टू वाला करोगे टू, तो आर वन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये डायरेक्टली फार्मूला हो जाएगा ठीक है। ये ध्यान रखना कि यहाँ वन है तो टू आएगा ऊपर, बाकी तो योग है ही नीचे। ऐसे ही अगर दो में अगर हमें आई टू ज्ञात करना है तो सेम यही फार्मूला उल्टा कर देंगे, अब टू है अब आर वन हो जाएगा, भाग में आर वन प्लस आर टू, आ गया समझ में ये। अब हम तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, मान लो हमारे पास में एन प्रतिरोध हैं और सभी का प्रतिरोध कैसा है, समान है, आर वन बराबर आर टू बराबर आर थ्री, ऐसे ही डॉट डॉट करके कहाँ तक, हाँ आर एन, और सभी का मान हम आर क्या मान ले, आर मान ले रहे हैं ये, तो इनका परिणामी क्या आएगा, इनका आर इक्वी लिख ले रहे हैं, इक्विवेलेंट होता है ना, बराबर आर अपॉन एन, मतलब जितने हैं उतनी संख्या से भाग कर दो उसका परिणामी मिल जाएगा। अगर समान है तो वोल्टेज समान होगा समांतर क्रम में, और आई की हम बात करेंगे तो आई सभी की अलग अलग या पहले वाले की अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल आई को एन से भाग कर देंगे, उसकी आई मिल जाएगी हमें, तीन चार सभी भागों में बटेगी ना, इस प्रकार से ये हो गया। तो ये पॉइंट याद रख लेना, ये समांतर क्रम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है ना, ठीक नोट करो फिर अगले देखेंगे।